नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। शरद यादव इन दिनों बयानबाजी देते आ रहे हैं आरक्षण को लेकर के, और यह कह सके जिस तरह से सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए उस बात को भी उन्होंने घेरा है। उन्होंने सीधा सीधा यह सवाल उठाया है कि 2021 में जो जनगणना का रिपोर्ट आएगा उसमें ओबीसी का है क्यों, सवर्ण जाति सभी जाति का एक अलग डेटा निकलना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, इससे ही देश का विकास हो सकेगा। एक तरफ जहां तेजस्वी संख्या के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं शरद यादव भी अब कुछ उस जैसा ही मिलता जुलता बात बोल रहे हैं सवर्णों की जनगणना रिपोर्ट को लेकर के। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल के आता है राजद के खेमे से, क्योंकि लोकतांत्रिक जनता दल की तरफ से शरद यादव ने अपना बयान दे दिया है। हम राजद के लोगों से भी बात करेंगे, सुनाएंगे आपको क्या कुछ वो बोल रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बड़े रहे न्यूज बिहार के साथ, हम पल पल की खबरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। भारत लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार जरूर देते रहें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।